विधान परिषद स्नातक और शिक्षक एमएलसी का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मध्य में हुआ। जनपद में चला 22 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान। जिले के लगभग 11,000 मतदाताओं ने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला किया। कोविड-19 को लेकर बनाए गए हर बूथ पर हेल्प डेस्क पर जांच के बाद वोटिंग की गई। जिला प्रशासन की कड़ी निगरानी में चला मतदान। 8 बजे से शाम 5 बजे तक चला मतदान। लेकर ये कि नयापन आना चाहिए, क्योंकि नयेपन से परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना चाहिए। और किसी युवा के हाथ में कमान आनी चाहिए, प्रतिनिधित्व युवा के हाथ में आनी चाहिए। जो हमारे छूटे हुए मुद्दे हैं उन पर आंदोलन किया जा सके, और जिससे सरकार मजबूर हो वो हमारी बात को मान सके, हमारे शिक्षक हितों की बात हो सके। सर, जो भी कैंडिडेट वोटिंग के लिए आ रहा, सबसे फर्स्टली यहाँ पे मास्क उसको दिया जा रहा है और ग्लव्स दिए जा रहे हैं उसको। पूरा कोविड-19 का जितना प्रोटोकॉल है वो सर फॉलो किया जा रहा है। उसके बाद आगे हम कैंडिडेट को भेज रहे हैं वोटिंग के लिए, और SPO2 चेक किया जा रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग प्रॉपर हो रही है, ग्लव्स दिया जा रहा है, फिर उसके बाद आगे हम कैंडिडेट को भेज रहे हैं वोटिंग। कासगंज से फहीम की रिपोर्ट।